नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ में जनजाति। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनजातियों हेतु संवैधानिक प्रावधान, अर्थात कि हमारे भारत के संविधान में जनजातियों के विकास हेतु कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा जो भारत है वो उसी संविधान पर आधारित है, मतलब संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसी के अनुसार कार्य करता है, चलता है। मतलब कि संविधान में हमारे जो नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सरकार किस तरह से बनेगी, किस तरह से कार्य करेगी, न्यायपालिका कैसी होगी, ये सारा कुछ जो है संविधान में दिया हुआ है। अब जो ये जो जनजातीय लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, तो उनके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जनजातियों हेतु। तो पहले मैं बता देता हूं आपको कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। तो हम जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जिन अनुच्छेदों में जनजातियों के संबंध में कोई विशेष प्रावधान किया गया हो, दिया गया हो उसमें, तो उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं हम, इस तरफ मैंने अनुच्छेद लिखा हुआ है और यहाँ जो है संवैधानिक प्रावधान मैं लिखने वाला हूं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(4). देखिए ये जो मैंने लिखा है 15(4), 16(4), 16(4)क, तो जो एक अनुच्छेद है वो भी कई भागों में बटा हुआ है और वो भाग भी कई उपभागों में बटा हुआ है। तो अनुच्छेद 15 का भाग 4, मतलब कि वो अलग अलग पैरा में बटा हुआ होगा कई सारे खंडों में। तो जो अनुच्छेद 15(4), तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो अनुसूचित जनजाति, जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं, उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास के संबंध में प्रावधान किया गया है। मतलब कि जो राज्य जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षा, मतलब शैक्षिक विकास के लिए कोई उपबंध कर सकती है, याद रखेंगे। शैक्षिक प्रावधान, शैक्षिक प्रावधान अनुच्छेद 15(4). उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 16(4), ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16(4) में क्या दिया हुआ है, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जो राज्य सरकार द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाएगी, सरकारी नौकरियां, तो उनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, अर्थात तो मतलब ये है कि जो अगर राज्य को मान लो ऐसा लगता है कि जो राज्य की जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग की हिस्सेदारी बहुत कम है, मतलब कि इस वर्ग के बहुत कम लोग इस सरकारी पदों पर है, तो राज्य को ऐसा लगता है तो वो जो है आरक्षण दे सकती है। तो इसमें मैं लिखता हूं ST आरक्षण। देखिए ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, अर्थात अनुसूचित जनजाति। तो 16(4) नौकरियों में आरक्षण। उसके बाद है 16(4)क। तो 16(4)क क्या है, ये जो सरकारी नौकरियां जो दिया गया 16(4) में, तो 16(4)क में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें प्रोन्नति, अर्थात कि प्रमोशन में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण। याद रखेंगे 16(4) नौकरियों में आरक्षण और 16(4)क प्रोन्नति में आरक्षण, मतलब कि प्रमोशन में आरक्षण। उसके बाद है अनुच्छेद 46। देखिए ये जो तीन थे ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। अब है अनुच्छेद 46। ये जो अनुच्छेद 46 है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं उनके शिक्षा और अर्थ के हितों की अभिवृद्धि करना चाहिए राज्य को, मतलब कि शिक्षा और अर्थ, अर्थ का मतलब है जो मतलब कि उनको आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, शिक्षा व अर्थ में अभिवृद्धि। याद रखेंगे अनुच्छेद 46 शिक्षा व अर्थ में अभिवृद्धि करने को कहता है, मतलब कि अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, मतलब कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सके, तो इसके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए, ये बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 164, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 164
तो अनुच्छेद 164 में क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो तीन राज्य हैं, यहां एक अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक मंत्री होगा। कौन कौन से राज्य याद रखना है आपको? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जनजाति बहुल वाले राज्य हैं। तो यहां पर जो है एक अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक मंत्री होगा जो इनके हितों की रक्षा करेगा। याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री, अनुच्छेद 164। उसके बाद है अनुच्छेद 243, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 घ, जैसे हमने देखा ये चार मतलब 15-4, 16-4, वैसे ही 243 घ। ये जो 243 है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये जो 243 घ है इसमें क्या कहता है? पंचायतों में आरक्षण, मतलब कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो सरपंच, उप सरपंच और जो पंच चुने जाएंगे, तो उसमें जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 243 घ में। उसके बाद है 243 न, ये जो है नगरीय निकायों से संबंधित है, मतलब कि नगरीय निकायों में आरक्षण, नगरीय निकाय में आरक्षण, मतलब कि जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत है, जहां पार्षद, महापौर, अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, तो उसमें जो है ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उसमें आरक्षण दिया जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके गांव, आपके शहर में, जहां भी आप रहते हैं, तो वहां जो है इन वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। तो याद रखेंगे आपको ये अनुच्छेद याद रखना है और उसका ये प्रावधान याद रखना है। उसके बाद है 244। तो 244 ये भी महत्वपूर्ण है। तो लेकिन ये जो है, देखिए 244 में क्या है, कुछ राज्यों में, मतलब कि कुछ अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में जो है छठी अनुसूची, हमारे जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची। देखिए हमारा संविधान, मैंने पहले बताया 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, हमारे संविधान का ये हिस्सा है। मतलब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। तो ये जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से एक अनुसूची है छठी अनुसूची, मतलब कि छठवें नंबर की अनुसूची। तो क्या है ये छठी अनुसूची? इसमें जो कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, मतलब कि जनजातीय राज्यों के लिए। वो कौन कौन से राज्य हैं याद रखना है आपको? असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम, मतलब कि ये चार राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में छठी अनुसूची लागू है। और छठी अनुसूची के लागू होने का मतलब है कि वहां जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, मतलब उनके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं की गई है। ये जो छठी अनुसूची है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर भी लागू करने का मांग किया जा रहा है इन जनजातियों द्वारा, याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 275, यह भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान है, मतलब कि इनके लिए जो भी अलग से योजनाएं बनेंगी तो उसके लिए विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा। मैं लिख रहा हूं विशेष अनुदान, अगला है 330 और 332, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। 330, जैसे हमने देखा 243 घ और 243 न, 243 घ क्या था? पंचायतों में आरक्षण, 243 न क्या था? नगरीय निकायों में आरक्षण। और आरक्षण वाला एक और कौन सा था? 16-4, जो कि नौकरियों में आरक्षण। उसके बाद है 330 और 332। तो देखिए जो 330 है यह है लोकसभा, लोकसभा में आरक्षण, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 330 में। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 11 सांसद हैं, अर्थात कि लोकसभा की 11 सीटें हैं, उनमें से जो चार सीटें हैं वो किनके लिए है?
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, अर्थात वो जो है इस 330 अनुच्छेद के तहत जो है वो जो 4 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। याद रखेंगे लोकसभा में आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये अनुच्छेद 330। उसके बाद है अनुच्छेद 332, इसमें है विधानसभाओं में आरक्षण, विधानसभाओं में आरक्षण मतलब कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहां विधानसभाएं हैं, तो विधानसभाओं में एसटी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 332 में। उसके बाद अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 335। तो अनुच्छेद 335 में जितने भी संवैधानिक सेवाएं हैं, संवैधानिक पद है, मतलब कि जो प्रशासनिक जो पद है संवैधानिक पद, तो उसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये जो देखा हमने 16-4, ये क्या है, अनुसूचित जनजाति को नौकरियों में आरक्षण, जो भी नौकरियां निकलती है उसमें आरक्षण। और ये जो 335 अनुच्छेद 335 क्या कह रहा है, जो संवैधानिक पद है उनमें, संवैधानिक पद संवैधानिक सेवाएं जो भी प्रशासनिक पद है उनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण, मतलब उनमें वो दावा कर सकते हैं। याद रखेंगे संवैधानिक सेवाएं व पद, पदों के लिए दावा, सेवाओं व पदों के लिए दावे, मतलब कि वो किसी भी संवैधानिक पद और के लिए जो है दावे कर सकते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। उसके बाद है अनुच्छेद 338 क, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 338 क के तहत क्या हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मैं अजा दिख रहा हूं, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, मतलब कि भारत में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जिसका काम, मतलब इनकी इनके लिए जो भी योजनाएं बन रही है उनकी देखरेख करना। तो इस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 338 क के तहत किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 342, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको मुझे पहले वीडियो में बताना था लेकिन मैंने नहीं बताया अनुच्छेद 342 को। तो अनुच्छेद 342 क्या है, देखिए मैंने बताया कि भारत में, पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में 705 जनजाति समूह है और हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति समूह है। तो ये किसी समूह को, किसी जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कौन करेगा, तो ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, मतलब कि राष्ट्रपति ये तय करेगा कि कोई जन समूह, कोई जनजाति समूह अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होगा, ये किसके अधिकार में है, राष्ट्रपति के अधिकार में। तो ये मैं लिख रहा हूं जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति के अधिकार जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई जनसमूह, कोई जनजाति वर्ग, वो अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होना है या नहीं होना है ये कौन तय करेगा, किसके अधिकार में है, ये राष्ट्रपति के अधिकार में है, मतलब कि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। याद रखेंगे अनुच्छेद 342 जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी जनसमूह को जनजाति घोषित कर सकता है। तो ये थे जनजातियों हेतु संवैधानिक प्रावधान। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।